सिर्फ 3 सालों में 37,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करके फरार, अभी भी गिरफ्त से बाहर। कौन है ये क्रिप्टो क्वीन? ये है रुजा इग्नाटोवा, जो वर्तमान में लापता है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की मोस्ट वांटेड सूची में इनका नाम शामिल है। रुजा जर्मनी की निवासी है, लेकिन उनका जन्म बुल्गारिया में हुआ। उनके पिता एक इंजीनियर और माता एक शिक्षिका थी। रुजा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से यूरोपीय कानून में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सोफिया में एक कंपनी में सलाहकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की शुरुआत 2014 में हुई। रुजा ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वनकॉइन। इस कंपनी का काम था दुनिया भर के निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन इस क्रिप्टोकरेंसी की सुरक्षा को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे। रुजा की धोखाधड़ी सामने आने के बाद ये सवाल और भी तेज हो गए। बहुत ही कम समय में वनकॉइन बिटकॉइन का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन गया। रुजा खासकर अमेरिकी निवेशकों को वनकॉइन में निवेश करने के लिए प्रेरित करती थी, साथ ही अन्य देशों के निवेशकों को भी आकर्षित करती थी। इस जाल में फंसकर अब कई लोग पछता रहे हैं। 2017 में अचानक तस्वीर बदल गई। उस साल अक्टूबर में रुजा अचानक लापता हो गई। तब तक निवेशकों को समझ में आ गया था कि रुजा उनके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो चुकी है। रुजा को आखिरी बार बुल्गारिया के हवाई अड्डे पर देखा गया था। उनके भागने के बाद ही अमेरिकी प्रशासन को उनकी धोखाधड़ी का पता चला। उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, लेकिन तब से रुजा का कोई पता नहीं चला है। FBI की 529 मोस्ट वांटेड सूची में 11 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें रुजा का नाम भी है। वह शीर्ष 10 मोस्ट वांटेड में से एक है। FBI के अनुसार 25 अक्टूबर 2017 को उन्होंने सोफिया से एथेंस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उसके बाद वह कहां गई, यह अभी भी एक रहस्य है। जासूस उनकी गुमशुदगी का रहस्य सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। माना जाता है कि रुजा ने जर्मन पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की हो सकती है। जांचकर्ताओं के अनुसार वह संयुक्त अरब अमीरात, बुल्गारिया, जर्मनी, रूस, ग्रीस आदि देशों में घूमती रही होंगी, लेकिन उनकी गतिविधियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। क्रिप्टो क्वीन रुजा इग्नाटोवा की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे एक व्यक्ति लाखों लोगों को धोखा देकर फरार हो सकता है। उनकी गिरफ्तारी और न्याय की प्रतीक्षा अभी भी जारी है।